आज हम बात करेंगे pewdiepie वर्सेस टी सीरीज़ की। जी हाँ, जो अभी आपने रेस देखी ये काफ़ी टाइम से चल रही है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि pewdiepie जो लार्जेस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल है, इससे हमारा टी सीरीज़ आगे निकल गया था। लेकिन फिर ये pewdiepie के सपोर्टर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और pewdiepie फिर से वापस अपनी जगह पर आ गए। तो ये काफ़ी टाइम से रेस चल रही है इन दोनों के बीच में। और अभी कुछ दिन पहले ही pewdiepie ने एक वीडियो अपलोड करा और उन्होंने कुछ ग्राफ दिखाया और उन्होंने बोला कि जो टी सीरीज चैनल है इंडिया का, ये उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाने वाला है नवंबर तक। तो उन्होंने ओपन चैलेंज इस बार दे दिया है और बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया उन्होंने। और काफ़ी चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि pewdiepie's किंगडम विल गो स्लो डाउन एंड ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने कहा कि जो टी सीरीज़ है वो आगे निकल जाने वाला है। तो देखना ये है कि अब इस रेस में कौन जीतता है। तो अब जिस लोगों को pewdiepie नहीं पता है कि कौन है, उनको मैं बता देता हूँ। pewdiepie बहुत ही पुराने स्वीडिश यूट्यूबर हैं और वो काफ़ी टाइम से यूट्यूब के टॉप पे हैं और सब्सक्राइब्ड चैनल, मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल रहे हैं वो वर्ल्ड का, अभी भी हैं, इस समय भी वो मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल हैं। और उनका जो कैटेगरी है यूट्यूब की, वो बनाते हैं गेमिंग चैनल्स है उनका, गेमिंग की वीडियोस बनाते हैं और एंटरटेनमेंट करते हैं, रोज पोस्ट भी कर देते हैं वो। तो काफ़ी फ़नी और काफ़ी इंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी लोग इंडिया में देखते भी हैं उनकी वीडियो, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको इंडिया से ही। और काफ़ी कुछ लोग जानते भी नहीं हैं, जैसे कि जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने ये बता दिया है। बाकी टी सीरीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि इंडिया रहते हैं, नेपाल रहते हैं, आपके पाकिस्तान में बहुत लोग बॉलीवुड म्यूज़िक को पसंद करते हैं, उन मोस्टली लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा टी सीरीज़ को। अब कुछ लोगों का कहना तो ये है कि ये जो एक इंडिविजुअल यूट्यूबर वर्सेस एक म्यूज़िक कंपनी के बीच में है, तो उन लोगों को मैं बता दूँ, वो इंडिविजुअल यूट्यूबर हैं लेकिन वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इंग्लिश यूज़ करते हैं और इंग्लिश जो है पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। तो उनकी ऑडियंस जो है वो पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन यहाँ पे टी सीरीज़ जो है वो हिंदी सॉन्ग्स रिलीज़ करता है, तो जो लोग हिंदी जानते हैं या फिर उर्दू जानते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, हमारा ये बांग्लादेश हो गया, तो इन कंट्रीज़ में टी सीरीज़ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे टी सीरीज़ सब्सक्राइब हो रहा है मोस्टली, और थोड़ा बहुत इंडोनेशिया में हो रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि एक तरफ है वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन और एक तरफ है सारी नहीं, मतलब जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है मोस्टली कंट्रीज़ में बोली जाती है, और एक तरफ है यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो अब मेरा मानना तो यही, एज एन इंडियन आई विल सपोर्ट टी सीरीज़। तो अब जो जिसको सपोर्ट करता है वो उसको सपोर्ट कर सकता है। अगर आप pewdiepie को सपोर्ट करते हैं तो pewdiepie के चैनल पर जाइए, उसको सपोर्ट करिए। बाकी अगर आप एज एन इंडियन टी सीरीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप टी सीरीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी ये देखिए रेस तो चली रही है काफ़ी टाइम से, ये देखिए टी सीरीज़ पीछे से भागता हुआ आ रहा है और pewdiepie से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। बाकी pewdiepie ने तो बोला है कि नवंबर तक ये होगा पॉसिबल, बाकी मुझे लगता है कि ये जो होगा ये पहले भी हो सकता है, क्योंकि अब हाइप ज़्यादा हो गई है, कुछ लोग टी सीरीज़ को बहुत तेज़ी से सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ लोग pewdiepie को सब्सक्राइब करने में लग गए हैं बहुत तेज़ी से, और हम लोग को कोई नहीं कर रहा है। पे आपसे दो लाइनें बंटी कहेगा, बंटी बोल भाई, बता दे लोग को। यार तुम लोग से बोल-बोल के थक गया हूं यार मैं। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, नॉलेज रिलेटेड वीडियोस देख लो, कुछ पढ़ लो, लिख लो, देखो कुछ ज्ञान। चलो ठीक है, चलो चलते हैं, बाय बाय।